जैसे कि आप लोग हमको जानते ही होंगे, मैं हूँ सूर्यांशु शुक्ला। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और आप देख रहे हैं स्टडी विद सूर्यांशु। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर एक्सरसाइज 1.1। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये एक्सरसाइज 1.1 का फिल इन द ब्लैंक है, जो कि हमने कहा था कि हम दूसरे वीडियो में इसको सेपरेट वीडियो बना के हम इसको कवर करेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो हमारा ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन ए है, ऐसा फिंगर ब्लैंक्स है, देख लेते हैं इसको इनटू, और ये जो ब्लैंक है, ये जो खाली है, इसको हम यस लिख देंगे, वेरिएबल लिख देंगे यस, जो फाइंड करने में आसानी हो। तो अब चलिए फाइंड करते हैं, -11 इंटू यस मीन्स -11 यस, और यहाँ पे छुपा रहता है क्या, इंटू मल्टीप्लाई छुपा रहता है, इंटू -11 1210। अब ये जो -11 है और ये यक्स है, तो यक्स के बीच में क्या छुपा है, यक्स और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई छुपा है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई छुपा है, जब ये ट्रांसपोज होके यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो इसको यक्स को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और 1210 के डिनोमिनेटर में -11 कर देते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगता, हरदम न्यूमरेटर में लगता है या यहाँ बीच में लगता है। तो पहले इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा, तो ये -11 यक्स हो जाएगा, वेरिएबल बाद में रहता है क्योंकि, और ये हो जाएगा 1210 -1210 अपॉन 11, तो ये 11 वन जो 11। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं जो आपको अच्छे समझ में आए। तो जब डिवाइड करेंगे तो देख ले, 11 वन जो 11 वन वन यहाँ पे हुआ, तो फिर 11 जो 11 जीरो, और ये जो जीरो है यहाँ पे चला जाएगा क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा -110। तो चलिए और नीचे चल देते हैं, तो ये जो -11 यक्स है, अब ये भी इधर चला जाएगा, तो यक्स बचेगा, और यहाँ पे 12 माइनस क्योंकि यहाँ पे 110 बचा है, यहाँ पे 110 लिखेंगे, तो -110। अब आपको पता ही होगा कि 11 टेंजा 110 होता है, 11 वनजा 11 टेंजा, तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स, यक्स इज इक्वल टू -10, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, पी का नोट कर लेते हैं, +12 इंटू यक्स इज इक्वल टू -13। अब इसको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं, -13 +12 यक्स इज इक्वल टू -13। तो ये जो -13 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये +12 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब ये -13 है, तो यहाँ पर +13 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसको इस 12 को उधर भेजेंगे, जो कि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा फ्रेंड्स। तो यक्स इक्वल टू 0.10
जीरो, क्योंकि फ्रेंड्स किसी का भी मतलब जीरो का भी अगर कोई भी डिनोमिनेटर रहेगा तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने जीरो ही आता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सी, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू यक्स इक्वल टू टू एंड माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन होगा फ्रेंड्स ये प्लस वन होगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये कट जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, वन जब वन ही होता है तो इक्वल टू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इक्वल टू है, इक्वल टू करी इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये लगता है, तो यहाँ पे ये प्लस वन हो गया, यक्स इज इक्वल टू टू, ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये जो ये वन है ये यक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये टू के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और आपको पता ही है कि किसी का भी डिनोमिनेटर वन रहता है वो डिजिट उतना ही होती है, तो इसको फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी। तो डी देख लेते हैं, माइनस सेवेंटीन इंटू यक्स इंटू ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। माइनस सेवेंटीन यक्स होगा माइनस सेवेंटीन यक्स, तो अब हम इंटू ट्वेंटी वन कर देते हैं और इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जो फ्रेंड्स माइनस सेवनटीन किस में है, इंटू में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके इसके उसमें चला जाएगा, किस में चला, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, यक्स इज इक्वल इंटू ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस सेवनटीन, 21x is equal to 0, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वह 0 ही आएगा। तो अब हम चलते हैं आगे, ये जो 21 है ये भी ये देखिए यहाँ पे छुपा है, ये इंटू देख रहे हैं छुपा ही है, तो अब बोलने क्या बात है, तो इसको भी हम इसके बटे में चल देते हैं, मतलब बटा मतलब डिनोमीटर, उसके डिनोमीटर में हम इसको भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इसके हो गया डिनोमिनेटर में, सॉरी फ्रेंड्स वो गलती से इधर उधर हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रख लीजिए। 21 तो अब आप जानते ही हैं ये सी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब किसी चीज जीरो डिवाइड होता है तो वह जीरो ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छा लगा और आपको सब समझ में आ गया, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। क्वेश्चन 4, 5, 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी सूर्य। बाय बाय।